वर्ल्ड कप का रोमांच शुरू हो गया है। बीते दिन हमने देखा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया उसमें किस तरह न्यूजीलैंड ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए अपना पहला मुकाबला जीता। देखिए इस बार जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ अभ्यास मैच खेले गए तो उनमें बड़े बड़े स्कोर बने और वो बड़े बड़े स्कोर चेस भी हुए। भारत को इस बार मेजबानी मिली है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरे वर्ल्ड कप का जो आयोजन है अकेले भारत देश के अंदर किया जाएगा। इससे पहले 2011 में जब भारत को मेजबानी मिली थी तब अलग अलग देशों के अंदर जो एशिया के अलग अलग बांग्लादेश है श्रीलंका है उनको भी मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार पूरा जो वर्ल्ड कप है वो भारत के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर खेला जाएगा। उसका रोमांच जो दर्शक है जरूर देखेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टीमों की जो इस वर्ल्ड कप के जीतने की प्रबल दावेदार है। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आदित्य आठवे। देखिए कुछ टीमें ऐसी हैं इस बार वर्ल्ड कप में जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। जिस तरह से हमने देखा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो अभ्यास मुकाबले खेले उसमें बड़े बड़े स्कोर बने और कुछ ऐसे मैचेस भी थे जो बड़े स्कोर थे वो यहाँ पर चेस भी हुए और जो टीमें हारी उसका अंतर कुछ ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे में इस बार जो मुकाबले हैं आसान नहीं होने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय टीम की। देखिए भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट ये है क्योंकि भारत के अंदर इस बार जो है वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। 2011 में जब भारत को मेजबानी मिली थी तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और एक 1983 के बाद एक बार जो वर्ल्ड कप का सूखा था वनडे वर्ल्ड कप का 50 ओवर का उसको सूखे को खत्म किया भारत ने। अगर बात करें भारतीय टीम की तो देखिए बल्लेबाजी की सबसे पहले हम बात करेंगे तो टीम के पास कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे जो है शानदार बल्लेबाज है जो कभी भी किसी भी मैच का रुख यहां पर मोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो टीम के पास हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे शानदार ऑलराउंडर मौजूद हैं। और देखिए जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ मुकाबलों में प्रदर्शन किया है एक नए रूप में वो दिखे हैं, कमबैक उन्होंने किया है इंजरी के बाद और एक अलग ही रूप में अब जो हार्दिक पांड्या है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से 2011 के अंदर युवराज सिंह ने एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई थी भारतीय टीम के लिए और वर्ल्ड कप में अपना अहम योगदान दिया था तो वैसा ही कुछ इस बार हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव जैसे जो गेंदबाज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो डेथ ओवर्स के अंदर भी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं और शुरुआती जो ओवर्स हैं उनमें भी विकेट निकालने का जो है मादा रखते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की तो पाकिस्तान टीम के लिए सबसे प्लस पॉइंट की बात तो यह रहने वाली है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो लगभग एक जैसी रहती हैं तो ज़्यादा दिक्कत वहाँ के गेंदबाजों या बल्लेबाजों को भारत में आनी नहीं आएगी और जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान जैसे ही भारत में पाकिस्तान को की टीम को मिलने वाली है। देखिए अगर बल्लेबाजी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, फखर जमान है, इमाम उल हक है, काफ़ी शानदार एक बल्लेबाजी है टीम के पास इस समय मौजूद है जो बड़ा स्कोर बना भी सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करें तो मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद जैसे जो शानदार ऑलराउंडर हैं वो टीम के पास मौजूद हैं और गेंदबाजी की अगर इस टीम की बात करें तो सबसे शानदार, सबसे घातक जो तेज गेंदबाजी है वो इस टीम के पास मौजूद है। शाहिनशाह आफरीदी, हैरिस राउल और हसन अली जिस तरह से जब गेंदबाजी करते हैं तो फिर बल्लेबाजों के लिए खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा स्पिन अटैक में भी शादाब खान टीम के लिए यहां पर तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ग्राउंड्स भी होंगे जहां स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की। देखिए न्यूजीलैंड टीम की बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि एकमात्र ऐसी टीम है जिसके अंदर ऑलराउंडर्स की भरमार है, बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना कमाल ये खिलाड़ी दिखा सकते हैं और जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा सकते हैं। और कल हमने जिस तरह से कॉनवे की बल्लेबाजी देखी और जो ऑलराउंडर रचिन थे रविंद्र, उन्होंने जिस तरह से शतक लगाया और गेंदबाजी की तो अपने अकेले के दम पे इन दोनों बल्लेबाजों ने जो है इंग्लैंड को यहाँ परास्त किया। अगर देखिए
बल्लेबाजी की बात करें तो टीम के अंदर कॉनवे, विलियन, टॉम लेथम, डेरेन मिचेल जैसे शानदार बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। प्रैक्टिस मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने यहाँ पर किया था। जबकि अगर ऑलराउंडर की बात करें तो एक लंबी लिस्ट इस टीम के पास है, जिसमें रचिन रविंद्र, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स शामिल हैं, जो बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल दिखा सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में काफ़ी अनुभव है इस टीम के पास, गेंदबाजी में भी, क्योंकि सऊदी लंबे समय तक सऊदी और ट्रेंड बोल्ट भारतीय पिचों पर आईपीएल खेलते आए हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है यहाँ पर। इसके अलावा मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोडी ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी जो अपने जब भी कप्तान को जरूरत होगी तो जरूर विकेट निकालकर यहाँ पे देखें। इंग्लैंड की बात करते हैं, अब देखिए इंग्लैंड के लिए पहला मुकाबला अच्छा नहीं रहा, ना तो बल्लेबाजी चली और उसके बाद गेंदबाजी, तो इस टीम की बिल्कुल ही कहीं धार नजर नहीं आई गेंदबाजी के अंदर। और हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने आसानी से 9 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया था, लेकिन फिर भी इस टीम के पास बहुत जबरदस्त जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं वो मौजूद हैं। बल्लेबाजी में देखिए जॉनी बैरिस्टो, डेविड मरान और हैरी ब्रुक, जो रूट, जोस बटलर, लिविंगस्टोन अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं ये अगर बल्लेबाजी की बात करें तो। इसके अलावा ऑलराउंडर में भी मोइन अली, बेन स्ट्रोक और सैम करन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेंद के साथ साथ बल्लेबाजी में भी जो है सामने वाली टीम की जो है परखच्चे यहाँ पर उड़ा सकते हैं। जबकि गेंदबाजी में बात करें तो मार्क वुड, क्रिस वोक्स और रिची टोपले जैसे तेज गेंदबाज टीम के पास यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आदिल राशिद भी टीम के पास हैं जो स्पिन जो विकेट्स हैं उन पर विकेट निकालने में माहिर है। अब बात करेंगे देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम की, ऑस्ट्रेलिया टीम के पास भी ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं। अभ्यास मैचों में शानदार प्रदर्शन इस टीम ने यहाँ पर किया था और अब जो मेन मुकाबले होंगे उसमें किस तरह से ये टीम उतरती है ये देखने वाली बात होगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, जोस इंग्लिश, देखिए जोस इंग्लिश की बात इसलिए कर रहा हूँ, बल्लेबाजी में विकेटकीपर हैं, जबरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी अभ्यास मुकाबलों में की थी। हालांकि टीम के पास और भी विकेटकीपर मौजूद हैं लेकिन जोस इंग्लिश ने जिस तरह से कमाल दिखाया था भारतीय विकेट के ऊपर वो लाजवाब था। जबकि ऑलराउंडर में भी एक लंबी लिस्ट इस टीम के पास मौजूद है, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, कैमरून ग्रीन जैसे जो ऑलराउंडर है टीम के पास मौजूद है। और ये एक खास बात ये भी है कि ये खिलाड़ी भी आईपीएल के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन है अपनी टीमों के लिए करते हैं, तो अच्छी तरह से भारतीय पिचों से ये जो खिलाड़ी हैं वाकिफ हैं यहाँ पर। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो स्टार्क एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है इनके पास। इसके अलावा जोश हेजलवुड, कप्तान पेट कमिंस को काफ़ी अनुभव है तेज गेंदबाजी का, जबकि एडम जंपा एक जो है तुरुप का पत्ता इस टीम के लिए साबित जरूर होंगे, क्योंकि जब स्पिन विकेट पर खेलने की बात होगी, गेंदबाजी करने की बात होगी तो फिर ये खिलाड़ी यहाँ पर काम आएगा। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल भी एक अच्छे स्पिनर हैं और अभी हाल ही में वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज जो इंडिया में खेली गई थी तो आखिरी मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजों ने यहाँ पर की थी। तो ऐसे में अब हमने इन टीमों की बात की और सबसे मजबूत दावेदारी अभी तक इन टीमों की यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस टीम के खिलाड़ी हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है इस टीम के खिलाड़ियों ने वो लाजवाब रहा है। द नगरी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।